ऑटोमेटिक दोना थाली नाश्ता प्लेट बना सकते हैं। उसके बाद इसमें आप स्लीपर कटिंग का भी काम कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर स्क्रबर पैकिंग यानी ब्लिस्टर से रिलेटेड पैकेजिंग आइटम जो भी है वो आप इसमें रोल को पहले सर्कल के रूप में कटिंग किया जाता है, उसके हमसे जानकारी नहीं लेते हैं और मशीन खरीद लेते हैं तो वो मशीन आपके लिए कवारा साबित हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। पेपर प्लेट का बिजनेस बहुत सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि वो मशीन के बारे में सही तरीके से समझ लें। सही तरीके से उसके बारे में जब तक वो जानेंगे नहीं वो बिज़नेस को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन के नाम से जाने वाले मशीन को मैं पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा और मशीनों के बारे में बताऊंगा, मशीन को आप कैसे ख़रीद सकते हैं, मशीन में किस किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है और मशीन लेकर आप कितने रुपए में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। दोस्तों पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मशीनें बहुत तरह की आती है। फर्स्ट में आता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, उसके बाद आता है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जिसमें बेलन को लगा करके ऑटोमेटिक रोल खींचकर दोना थाली नाश्ता प्लेट बनाया जाता है। उसके बाद आता है रिंकल प्लेट बनाने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिंकल प्लेट अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्कल से बनाते हैं, मतलब कि पहले उसे रोल टू सर्कल बनाते हैं, गोल कटिंग करते हैं, उसके बाद इस तरह के सेमी ऑटोमेटिक मशीन में वो प्रेस करके और रिंकल बनाते हैं। लेकिन जिन लोगों का अगर रिक्वायरमेंट होगा कि वो रोल से रिंकल बनाएंगे तो उनके लिए भी यहाँ मशीन जो है बनाई जाती है। आगे वीडियो में मैं उस मशीन के बारे में भी चर्चा करूँगा। फिलहाल इस मशीन की बात की जाए तो ये मशीन अभी सेमी ऑटोमेटिक के स्थिति में है। ये मशीन 6 इंच चैनल में हेवी में बना हुआ है। जियो मशीन सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई में बना हुआ है। इस मशीन में मोटर की बात की जाए तो 2 HP का मोटर लगा हुआ है और 40 लीटर का जो है ऑयल टंक लगा हुआ है, जिस ऑयल से क्या होगा कि इस ये जो हमारा हाइड्रोलिक है ये वर्क करेगा। अब अगली बात आती है कि इसमें डाई कौन कौन सा लगा सकते हैं। तो इसमें आप डाई पेपर प्लेट का जो भी बफर का डाई हो या रिंकल का डाई हो जो सेमी ऑटोमेटिक के स्थिति में हम वर्क कर सकते हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटिक के स्थिति में इसमें हम सीट लगा के बफर थाली बना सकते हैं, सर्कल लगा के हम रिंकल थाली बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप स्लीपर कटिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कि इस जगह पे आप चप्पल का जो सीट आता है उस सीट को लगा के स्लीपर कटिंग कर सकते हैं। आपका रिक्वायरमेंट होगा तो इस मशीन में स्क्रबर पैकिंग करने के लिए भी सेटअप लगा के दिया जाएगा, जो कि इस मशीन का अगला मैं दिखा रहा हूँ जिस मशीन का नाम पड़ जाता है ऑल इन वन। अभी जो मैं मशीन आपको दिखाया था वो था सेमी ऑटोमेटिक। अब देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन जो है ये है, इसको क्या किया गया है कि इसमें रूला को सेट कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि पीछे 3 रोल 4 रोल लगा के आप ऑटोमेटिक दोना थाली नाश्ता प्लेट बना सकते हैं। उसके बाद इसमें आप स्लीपर कटिंग का भी काम कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर स्क्रबर पैकिंग यानी ब्लिस्टर से रिलेटेड पैकेजिंग आइटम जो भी है वो आप इसमें कर सकते हैं। मोटर की बात की जाए तो 2 HP का मोटर इसमें राजहंस का जो खुद का मैन्युफैक्चर है वो आपको मिल जाएगा और उसके बाद इसमें जो है आपको 50 लीटर का ऑयल टैंक मिल जाता है। तो इस मशीन का जो है नामकरण कर दिया जाता है ऑल इन वन। यही हाइड्रोलिक मशीन को ही बेलन जोड़कर फुल्ली ऑटोमेटिक बना दिया जाता है और उसे ऑल इन वन बोल दिया जाता है। अब जो तीसरा मशीन के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि ऑटोमेटिक रिंकल थाली बनाने के लिए कौन सी मशीन है, तो चलिए उस मशीन को देख सकते हैं। मेरे पीछे जो अभी मशीन बनाया जा रहा है ये फुल्ली ऑटोमेटिक रिंकल का जो है थाली दोना प्लेट बनाने वाला मशीन, वही मशीन बनाया जाता है। इस मशीन में सिलेंडर की बात की जाए तो 1 हेवी सिलेंडर और 2 नॉर्मल सिलेंडर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इस 2 सिलेंडर के माध्यम से रोल को पहले सर्कल के रूप में कटिंग किया जाता है। उसके बाद जो बीच वाला सिलेंडर होता है
है वो पंच करके फुल्ली ऑटोमेटिक रिंकल थाली का निर्माण कर दिया जाता है। इसमें मोटर की बात की जाए तो 2 HP का इसमें मोटर रहता है, जो कि आप सिंगल फेज घरेलू बिजली से भी आप इसे आसानी रूप से ऑपरेट कर सकते हैं। रोल की बात की जाए तो इसमें 10 से 5 रोल आप आसानी रूप से लगा सकते हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो, आपको 10 रोल लगाना है आप 10 रोल लगा सकते हैं, 5 रोल लगाना है 5 रोल लगा सकते हैं। तो ये हमारा था ऑटोमेटिक रिंकल प्लेट बनाने वाली मशीन। बात आती है कि इस मशीन को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, तो ये मशीन आप अगर बिहार से है तो बिहार के कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप विजिट कर सकते हैं। ये सारा मशीन में से आपको जो मशीन का रिक्वायरमेंट होगा आप आसानी रूप से डेमो ले करके उसके बारे में समझ कर आप खरीद सकते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बिजनेस बड़ी हो या छोटी हो, जानकारी लेकर ही कीजिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को जानकारी लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उच्च लेवल तक जा पाते हैं। लेकिन वही आप सही ढंग से जानकारी नहीं लेते हैं और मशीन खरीद लेते हैं तो वो मशीन आपके लिए कवारा साबित हो जाता है। सो मैं यही कहूँगा कि आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले विजिट कीजिए, समझिए उसके बारे में। मशीन लेने के बाद आपको, आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी मशीन होता है तो अगर आप लोग परचेज करते हैं उसके बारे में बिल्कुल अननोन होते हैं, मतलब अजनबी होते हैं, उसको चलाना आप नहीं जानते, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी मशीन आप लेते हैं, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो, फुल्ली ऑटोमेटिक हो, या फिर रिंकल का फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन हो, कोई भी मशीन लीजिएगा तो टेक्नीशियन भेज के आपको इंस्टॉलेशन प्लस ट्रेनिंग जो है दे दिया जाएगा, जिसका किसी भी तरह का चार्ज आपको अलग से नहीं लगेगा। मशीन की प्राइस की बात की जाए तो मशीन का प्राइस मैं अप्रॉक्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अलग अलग ढंग का मशीन है और अलग अलग इसमें पार्ट्स लगा हुआ है। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो मेरे यहाँ है, वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको 40,000 रुपये से लेके 65,000 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की, इस टाइप की रिंकल वाली मशीन की बात की जाए तो ये आपको 1,40,000 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये के बीच में ये आपको मिल जाएगा। वही ऑल इन वन जो मैं दिखाया था, उस मशीन को अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ मशीन का प्राइस जो है वो 85,000 रुपये है। अगर उसमें आप चप्पल बनाना चाहते हैं, पेपर प्लेट बनाना चाहते हैं, स्क्रबर पैकिंग करना चाहते हैं, तो आप फैक्ट्री विजिट करके जानकारी ले लीजिए, सारा प्राइस जोड़ के आपको पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता हूं और लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।